जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आज अवकाश में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे साल का पहला सूर्य ग्रहण कब है और क्या सूतक काल का समय है, क्या विशेष समय है सूर्य ग्रहण का, और क्या इसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। चलिए जान लेते हैं, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस गुरुवार के दिन मार्गशिरा नक्षत्र और वृष राशि में यह ग्रहण घटित होगा। यह ग्रहण खंडग्रास रूप में उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया में दिखाई देगा। कंकणाकृति रूप उत्तर कनाडा, ग्रीनलैंड और रशिया में ये दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में कहीं भी दृश्य ना होने से यहाँ इसका ग्रहण भेद नहीं माना जाएगा। सबसे पहले तो आपको यही जानकारी दी गई है कि ये सूर्य ग्रहण कहाँ दिखाई देगा और कहाँ नहीं दिखाई देगा। तो आइए देखिए, जान लेते हैं ये ग्रहण कब है। साल 2021 में 10 जून को लगने वाला है ये सूर्य ग्रहण। साल का पहला सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा। तो इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा, ना ही मंदिर के कपाट बंद होंगे और ना ही इसका पूरा विचार किया जाएगा कि ग्रहण में ये किया जाए ये नहीं किया जाए। तो किसी भी तरह से आपको घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगता है तभी सूतक काल भी मान्य होता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण अगर लगा हो तो 12 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य जैसे यज्ञ अनुष्ठान आदि नहीं किए जाते, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं सूतक काल में, और ग्रहण के दौरान केवल भगवान का भजन, भगवान की पूजा, मंत्र सिद्धि, यही सब कार्य करने चाहिए, मानसिक पूजन करना चाहिए, यही कार्य होते हैं और यही कार्य ग्रहण काल के समय में करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं ये ग्रहण काल कब से कब तक लग रहा है। ग्रहण काल लग रहा है 10 जून को दोपहर 1:42 से लेकर 20 सेकंड पर शुरू हो जाएगा और इस ग्रहण की समाप्ति होगी शाम को 6:41 से लेकर 21 सेकंड तक। तो ये है समय, इस समय पर ग्रहण की समाप्ति होगी। समाप्ति के बाद घर में आप गंगा जल छिड़क लीजिए। देखिए, भले ही भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये एक खगोलीय घटना है तो असर ग्रहों पर अवश्य ही पड़ता है। तो कुछ औपचारिकताएं आपको अवश्य कर लेनी चाहिए, गंगा जल का छिड़काव कर लेना चाहिए, और चूंकि सूर्य ग्रहण है तो इसमें एक मंत्र अवश्य ही आप कर लीजिए, ताकि ग्रहण लगे या ना लगे, उसका असर हो या ना हो, ब्रह्मांड में जो ये घटना होती है उसका आपके ग्रहों पर कोई अशुभ प्रभाव ना पड़े, इसलिए इस मंत्र को जे ताकि पूरी अच्छी तरह से शुद्धि हो जाए। और इस ग्रहण काल के समय में, जैसा कि पहले ही आपको बताया, पूजा अवश्य करनी चाहिए, मंत्र सिद्ध अगर आप करना चाहते हैं अवश्य करने चाहिए, तो पूजा मंत्र आदि ज़रूर करें। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बार बार एक ही चीज़ बता रही हूँ, भले ही सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सूर्य की किरणें गर्भवती महिलाओं पर नहीं पड़नी चाहिए, इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आप पूजा पाठ करें, ध्यान लगाएं, ये सब चीज़ें करें। और इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे, इसमें 2 चंद्र ग्रहण है और 2 सूर्य ग्रहण। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लग चुका है और दूसरा ग्रहण 10 जून को लगेगा, तीसरा ग्रहण 19 नवंबर को लगेगा और चौथा और आखिरी ग्रहण सूर्य ग्रहण जो कि 4 दिसंबर को लगेगा। इसके अलावा कोई भी किसी दिन किसी महीने में कोई भी ग्रहण नहीं लगने वाला। कहीं आप ये वीडियोस ऐसी देखते हैं या सुनते हैं कि आज ग्रहण लग रहा है, कल ग्रहण लग रहा है, ये सारी चीज़ें फेक हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इस साल में केवल 4 ग्रहण लग रहे हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। ये चीज़ आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि
चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इस तरह की घटनाएं हैं जिनसे हर प्राणी घबराता है, डरता है कि इन अवसरों पर इस समय में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, भ्रमित नहीं होना है बिल्कुल भी, और ध्यान रखते हुए इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। केवल 4 ग्रहण हैं, इसके अलावा कोई भी किसी दिन ग्रहण नहीं है। तो ये था सूर्य ग्रहण का समय, सूतक काल और कब से कब तक है। तो चलिए आज की विशेष जानकारी में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियोस को आगे शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इन सब का लाभ ले पाएं। तो चलिए अभी देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।